कभी भी आपके पास वर्ड्स आते हैं, आप वर्ड्स को अपने दिमाग में इस तरीके से समझते हैं जो आपके सेट को समझा सके। जरा यहां पर ध्यान से देखना, हाउ टू थिंक डीपली के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन को आपको रीड करना है, सबसे पहली चीज है आप अपने डेटा सेट को लिखिए। दूसरी बात, आप क्वेश्चन में, जैसे देखो भाई सीरियसली मैं आपको बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो आपको जो भी चीज गिवन डेटा सेट है, गिवन चीजों को आप नोट डाउन करिए। दूसरी चीज, अगर हो पाए तो ड्रॉ अ डायग्राम, क्योंकि डायग्रामेटिक व्यू में आपके लिए क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिख लेते हैं, तो बार बार आपको क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग लॉज ऑफ मोशन से या इवन काइनेमेटिक से आपने अगर देखा हो तो हम लोग डायग्राम बनाते हुए आए हैं, ठीक है। थर्ड, सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज आस्क्ड, क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। अब जो भी चीज पूछी गई है उसके रिलेटेड आपको थ्योरी कुछ पढ़ाई गई होगी या कहीं ना कहीं कुछ मेंशन आपको किया गया होगा। अब जैसे ही आपसे ये पूछा जाए, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ चीज पूछी है फाइंड एक्सेलरेशन, तो उसके बारे में आप सोचिए कि आपको थ्योरी में क्या चीज बताई गई थी। अब बात यह है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, थ्योरी यहां तक सारे बच्चों के लिए सेम है, इसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन। जब आप किसी थ्योरी को इंटरप्रेट करते हैं, वहां पर सब बच्चों का अलग अलग सवाल आता है। लिटरली बता रहा हूं, थ्योरी तक सब बच्चे ऑलमोस्ट सेम लेवल पर होते हैं, अब उस थ्योरी का बच्चा क्या यूज करता है, वहां से सब चीज स्टार्ट होती है। अगर आप एक सिर्फ फॉर्मूले को सिर्फ फॉर्मूले के जैसे देख रहे हैं, जैसे कुछ अच्छे बच्चे होंगे, जब मैंने सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल पढ़ाया, मैंने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दिया m1r1 + m2r2 / m1 + m2, जब मैं वहां से m1 से मैं एरिया वाले पाया, तो बच्चा रिलेट कर पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, अच्छा ऐसा क्यों किया। जब मैं नेगेटिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो m1r1 - m2r2 जब मैंने बोला, या a1x1 - a2x2 बोला, बच्चा रिलेट कर पा रहा है। कुछ बच्चे उसको रिलेट नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, अच्छा नेगेटिव है तो ऐसे कर दो। अब a1 क्या था, a2 क्या था, x1 क्या था, x2 क्या था, आपने ध्यान नहीं दिया। और जब आप ध्यान नहीं देते तब क्या होता है, आप क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा ये थ्योरी में हमें एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 11वीं क्लास आपके सिर्फ फॉर्मूले को ही अगर मैं तंग करना चाहूं, तो फॉर्मूले को ही डिफरेंट वे में लगा के पूछ सकता हूं आपसे सवाल। यहां पर 11वीं का डिफरेंस आता है, वो सवाल आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है गड़बड़ होना, क्योंकि जब आपके पास एक फॉर्मूला आया, एक थ्योरी आई, तो उसका इंटरप्रिटेशन आप क्या करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन आपका और इंप्रूव। क्योंकि जरा देखो, कभी भी अगर मैं आपको कुछ चीज एक्स कन्वे करने की बात करूंगा ना, कोई भी टीचर, कोई भी बंदा, कोई भी इस दुनिया में अगर बात कर रहा हो एक्स, तो दूसरा बंदा हमेशा वाई इंटरप्रेट करता है। वाई मतलब एग्जैक्टली जो चीज बोली गई है उसको इंटरप्रेट नहीं करता। कभी भी आपके पास वर्ड्स आते हैं, आप वर्ड्स को अपने दिमाग में इस तरीके से समझते हैं जो आपके सेट को समझा सके। सेट को मींस आपके प्रॉब्लम सेट को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके हिसाब से आप चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। अब बात यह है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका इंटरप्रिटेशन आप वाई रख रहे हैं। अगर आपने वाई इंटरप्रिटेशन जो थोड़ा बहुत बनाया है, अब यहां से दो रास्ते होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस करके आप वाई से एक्स पर जाएं। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता लगता है, अच्छा यार जो चीज मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, और इसमें ये चीजें भी कहीं ना कहीं है, प्लस माइनस छोटी छोटी चीजें जो आपने ध्यान नहीं दी, अब वो प्रैक्टिस आपको वापस एक्स पर लाता है। क्यों बोलते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस का ही एक पार्ट होता है टेस्ट, क्योंकि टेस्ट भी आपको वापस उन वर्ड्स पे लेके आता है जो एक्चुअल चीज बोली गई थी। अब ये बात है कि अगर आप एब्सेंट माइंडेड होके क्लास कर रहे हैं, बस क्लास कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप वाई की जगह पर जेड पर भी चले जाते हैं। मींस एक्स के बाद मैं कोई चीज बोल रहा हूं, आप वाई नहीं समझ रहे, आप जेड और सोच रहे हैं उसके बारे में। तो आप यहां से जब आप सोचेंगे, तो वापिस आने में पहले आप वाई पर आएंगे, फिर वाई से आप एक्स पर आएंगे। तो एक रास्ता है कि आप प्रैक्टिस से एक्स पर चले जाएं, और दूसरी रास्ता है आपके पास, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको या तो लगता है या तो ये वाई सही है जो आपने सोचा है, और जब आप थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करते हैं तो आप इस डायरेक्शन में ना आके कुछ और इंटरप्रिटेशन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज द होल प्रॉब्लम ऑफ द माइंडसेट।
किसी भी स्टूडेंट की अगर मैं माइंडसेट या किसी भी बंदे की अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, मैं अगर आपको कोई चीज कन्वे कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई राजवंत सिंह आज आपको ये चीज बता रहा है, लेकिन आप उसको अपनी तरीके से समझेंगे, वो एग्जैक्टली वो इंटेंशन नहीं होगी जो मैंने आपको समझाई, आप कुछ और समझेंगे। लेकिन अगर आपको वापस इसी चीज पर आना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एजुकेशन फील्ड में। लाइफ में क्या होता है, जैसे आपके पापा ने बोला कि भैया रात को बाहर मत निकलो, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दे दिया कि ऐसा ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप उसको अपने तरीके से समझो कि पापा हमें इस तरीके से बोल रहे क्योंकि वो बाहर जाना नहीं देना चाहते। अब आप लाइफ में आप प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते, लाइफ में क्या होंगी सिचुएशन आएंगी, वो आपको अपने आप समझा देंगी कि क्या वो चीज सही बोल रहे थे या वो चीज गलत बोल रहे थे। ठीक है, अब वही है कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या है चीजों का, ये आपको समझना है विद टाइम। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आपका प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होगा। अब जो बच्चे होते हैं उनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एडवांस का बेस सिर्फ कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो हम लोग क्लास में चीजों को डिस्कस करते हैं, दिस इज योर बेस। अब बात यह होती है एडवांस की, कुछ बच्चों को लगता है एडवांस की थ्योरी ही अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है।